सब्सक्राइब करें मिंस रेसिपी चैनल को और बेल बटन को प्रेस करें लेटेस्ट रेसिपीज वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिंस रेसिपीज। मैं हूं मीनाक्षी और आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक चिकन करी, जो कि बहुत ही आसान है और बिना मिक्सर ग्राइंडर का यूज किए हुए आप इस लाजवाब चिकन करी को आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो बैचलर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छे से धो करके पानी से अलग कर लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहने दें। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच नमक। तो यहाँ पूरे चिकन का मैं नमक नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब इसे अच्छे से आप हाथों से मिला लें और इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दें। इसे बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाता है, कलर भी अच्छा आता है और स्वाद भी बढ़िया बनता है। तो इसे ढकते हुए इसे साइड करते हैं और तैयारी करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने प्याज को कट कर लिया, लहसुन को भी, और कुछ सूखे मसाले लिए हैं मैंने यहाँ पे। प्रेशर कुकर को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे लगभग 4 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म होने दें, उसके बाद इसमें डालें 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा जैसे चटकने लगे इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 3 से 4 तेज पत्ते और मैंने 4 से 5 यहाँ लाल सूखी मिर्च ली है, थोड़ा सा जायफल लिया है, इलायची, लौंग और दालचीनी के टुकड़े। इन सारे मसालों को हम डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे। ध्यान रखें, इन मसालों को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए, लगभग 10 से 12 सेकंड इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और चला देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे चलाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक। तो 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने 1 पूरा लहसुन जो है अच्छे से चॉप कर लिया है और 250 ग्राम प्याज यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। थोड़ी देर के लिए चला देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज। अब प्याज को हम डाल देंगे और इसे तेज आंच पे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तो 4 से 5 मिनट इसे अच्छे से आप तेज आंच पे भूनते रहें। तो इसे इस तरह से चलाते हुए हम 5 मिनट तक भून लेंगे, जिससे प्याज अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पूरे चिकन का नमक। नमक डालने से क्या होगा कि प्याज के साथ सारा नमक अच्छे से मिलेगा और चिकन की जो ग्रेवी है बहुत ही अच्छी तैयार होएगी। प्लस यहाँ पे जो प्याज है जल्दी पक जाएगा, इसके लिए आप नमक पहले ही प्याज में डाल दें और इसे तेज आंच पे ही भूनते रहें। थोड़ा सा जब कलर चेंज हो जाएगा प्याज का तो इसमें हम अपना चिकन डाल देंगे और यहाँ पर जो प्रेशर कुकर का रबड़ और सीटी होता है उसे आप निकाल दें और इसे ढक के तेज आंच पे थोड़ी देर के लिए फ्राई करते रहें। तो अब इसे खोल के एक बार चला लेंगे हम और अब इसमें हम डाल देंगे चिकन।
तो इस तरह से पूरा चिकन डाल दें और इसे भी आप अच्छे से चला दें। अब यहाँ से क्या करना है कि हमें धीमी आंच पे इन्हें पकाना है। अब हम आंच को बिल्कुल धीमी करके प्रेशर कुकर के ढक्कन से इसे ढक के धीरे धीरे पकाएंगे। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है लेकिन ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है और मसालों को हम बाद में डालेंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं यहाँ पे मसाले तैयार करूँगी। तो आधा कप पानी लिया मैंने यहाँ पे, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच चिकन मसाला और आधा छोटा चम्मच मैं धनिया पाउडर लूँगी। और लाल मिर्च पाउडर मैं थोड़ा यहाँ कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने सूखी लाल मिर्च भी डाली है। और आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूँगी ताकि जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आए। और इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसे चिकन में डाल देंगे और चलाते हुए इसे फिर से धीमी आंच पे ही हमें पकाना है ताकि सारे मसाले प्याज और चिकन है अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसे। और इसके अलावा अब हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस इसे धीमी आंच पे आप पकाते रहें। प्याज से भी पानी निकलता है तो आपकी जो ग्रेवी है अपने आप तैयार हो जाती है। अब आप इसे चलाते हुए और धीमी आंच पे ढक के पकाते हुए इसे ऐसे ही पकाते रहें। तो 2 से 3 मिनट के बाद फिर से इसे खोल के अच्छे से चलाएंगे और फिर से मैं इसे एक बार ढक के पकाऊंगी। तो लगभग ये चिकन जो है तैयार हो चुका है। कुछ देर के बाद इसे फिर से खोलकर हम चला लेंगे। तो ये मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच मक्खन डाल के अच्छे से इसे चला देंगे और कुकर का जो रबर होता है वो लगाएंगे और विसल लगाएंगे। मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पका लूँगी। तो यहाँ पे मैंने रबर भी लगा दिया और विसल भी। दो सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने तक ना खोलें। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ और आप देख सकते हैं चिकन जो है बिल्कुल बन के अच्छे से तैयार हो चुका है और करी बहुत ही अच्छी बनी है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं और गार्निश करें इसे धनिया के साथ। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है अभी। तो इस तरह से आप भी चिकन करी घर पे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।